प्यारे विद्यार्थियों, आपका बायोलॉजी विद मुकेश क्लासेस में स्वागत है। आज आपने टॉपिक देख लिया होगा कि जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्थेनोकॉर्पी और पार्थेनोजेनेसिस। तो इन दोनों टर्मों को हम देखते हैं, दोनों एक डिफरेंट टर्म है। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए। यहाँ आपको फर्स्ट ईयर और इंटर का कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा। हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, कौन सा? पार्थेनोकॉर्पी। तो हमारा टॉपिक आज का है पार्थेनोकॉर्पी। कौन सा टॉपिक है? पार्थेनोकॉर्पी। तो जो पार्थेनोकॉर्पी जो टर्म है, इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है नॉल। क्या नाम है? नॉल। नॉल ने दिया था पार्थेनोकॉर्पी। और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया था कि जो हमारे दैनिक जीवन में फ्रूट प्रयोग किए जाते हैं तो वो बीज रहित होते हैं। तो जितने भी फ्रूट बीज रहित होते हैं तो ऐसे फलों को हम कहते हैं अनिषेक फल। क्या? जब किसी ओवरी में बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। इसके जो एग्जाम्पल है वो है केला। कौन सा है? केला। दूसरा एग्जाम्पल है अंगूर। कौन सा है? अंगूर। और तीसरा एग्जाम्पल है अनानास। इसके अतिरिक्त भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन आपको ये खास करके याद रखने हैं एग्जाम्पल, खास करके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो हमने क्या बताया? पार्थेनोकॉर्पी वह कंडीशन होती है जिसमें किसी ओवरी से बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाता है? फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। और इस कंडीशन को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है नॉल, जो कि आपने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। क्या? पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन क्या होती है? पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन क्या होती है? तो जो पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन है, इसको देने वाले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था मूल एंड मुबरबेक। क्या नाम था? मूल एंड मुबरबेक। ये दो नाम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पार्थेनोजेनेसिस टर्म को दिया था। तो पार्थेनोजेनेसिस टर्म क्या होती है कि मान लेते हैं ये कोई अंडकोशिका है। कौन सी? इग सेल है। अब इस इग सेल में बिना निषेचन के इस इग सेल से जब इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, किसका? इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो जब किसी कोई इग सेल से बिना निषेचन के इम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है मोल एंड मुबरबेक। इन दो वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन को दिया था। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।